एवरीवन, तो गाइस 10 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आपके एग्जाम का एक सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मिनरल्स इन इंडिया। तो आइए फटाफट से हम लोग जानते हैं भारत में कौन कौन से मिनरल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। अगर हम एक ओवरऑल लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स आपको दिखेंगे। तो हम आयरन ओर, बॉक्साइट, कोल, लेड, जिंक, कॉपर, जिप्सम, क्रोमाइट, लाइमस्टोन, मैंगनीज, सिल्वर, निकल, डायमंड और गोल्ड की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये भारत का मैप आप देख लीजिए, और भारत के मैप में आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे कि आयरन, कोल, मैग्नीज, उसके बाद कॉपर वाला एरिया है। फिर यहाँ पे ये पूरा जो आपको गोल गोल दिख रहा है, इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे कि ये रीजन्स हैं बेसिकली जहाँ पे भारत में मिनरल्स मिलते हैं। तो आइए एक एक करके इस रीजन के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आप नॉर्दर्न बेल्ट देखेंगे, यानी कि जो उत्तर के साइड है। नॉर्दर्न बेल्ट में अगर आप मिनरल्स की बात करेंगे तो काइनाइट, यानी कि छोटा नागपुर प्लेट्यू, सबसे पहले नॉर्दर्न बेल्ट में कौन सा, छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये वाला जो एरिया है, ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आप मिनरल्स में देखेंगे तो काइनाइट, 100% काइनाइट जो है वो यही मिलता है। 90% तक आयरन यानी लोहा, उसका अयस्क यहाँ मिलता है। क्रोमियम 90%, माइका 75%, कोल जो है ये 70% तक कोल आपको यहाँ मिल रहा है। फिर आप देखेंगे कि मैग्नीज, कॉपर, लाइमस्टोन और सम अदर मिनरल्स जो कि यहाँ पे मिलते हैं, जो कि मैग्नीज हैं, कॉपर है, लाइमस्टोन है। तो ये नॉर्दर्न प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है। तो नॉर्दर्न साइड में एक और नॉर्थ में आप देख रहे हैं ये असम वाला एरिया। तो असम में आप देखेंगे कि असम में पेट्रोलियम के रिजर्व्स हैं, ठीक है। तो असम में पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, लिग्नाइट, कोल, टर्शरी कोल भी यहाँ पे मिलता है, लेकिन ज़्यादातर ये दिग्बोई असम आप जानते होंगे पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। तो ये छोटा नागपुर एरिया और हमने यहाँ पे असम का एरिया देखा। इसके अलावा हम देखें तो सेंट्रल बेस, तो सेंट्रल जो हमारा बेल्ट है, या छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, तो ये यहाँ क्या मिलते हैं, यहाँ पे भी आयरन और लाइमस्टोन आपको मिल रहे हैं। गोदावरी, वर्धा, ये जो दो नदियाँ हैं, इसकी घाटी में भी आप देखें तो ह्यूज कोल रिजर्व, यानी कि कोयले के यहाँ पे रिजर्व्स मिल रहे हैं। फिर हम बात करेंगे साउथ ईस्टर्न रीजन के, जो कि ईस्टर्न कर्नाटका का बेल्लारी और होस्पेट का एरिया है। आंध्र प्रदेश में कौन सा एरिया, कुदापा और कुर्नूल का रीजन है, और इन जगह में भी बहुत सारा खनन होता है। नेल्लोर जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा खनन यहाँ पे होता है माइका का, ठीक है। तो यहाँ पे रिजर्व्स हैं इसके। फिर बॉक्साइट, बॉक्साइट का मतलब कि Al2O3.2H2O, ये एलुमिनियम का आपका ओर है और बॉक्साइट आपको तेलंगाना में पाया जाता है। तमिलनाडु, यहाँ पे लिग्नाइट कोल मिलता है। कोल के भी प्रजाति हैं, जैसे कि एंथ्रासाइट कोल, जहाँ जिसमें 90% तक कार्बन होता है, बिटुमिनस जो कि 80-70% होता है, फिर लिग्नाइट जिसमें आपके 50% कार्बन होते हैं, और सबसे ख़राब है पीट, तो पीट में सिर्फ 40% तक कार्बन होता है। तो यहाँ लिग्नाइट कोल जो कि थर्ड ग्रेड कोल है, ये आपका यहाँ पे मिल रहा है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आप मैप्स देख सकते हैं, इस एरिया का हमने बात किया और इस एरिया का बात किया। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे साउथ वेस्टर्न एरिया, जो कि कर्नाटका धारवाड़ एरिया है। तो जो साउथ वेस्टर्न एरिया है, ये धारवाड़ एरिया है कर्नाटका का। यहाँ पे शिमोगा, चित्रदुर्गा, यमकूड, चिकमंगलुरु, ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आपके मिनरल्स के रिजर्व्स पाए जाते हैं। गोवा रिच है किसमें, आयरन में। रत्नागिरी जो कि महाराष्ट्र में है, ये भी आयरन के लिए जाना जाता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्टर्न एरिया का, जो कि है राजस्थान, गुजरात। तो ये अरावली के पहाड़ियों के पास है ये नॉर्थ वेस्टर्न एरिया। फिर गुजरात जो है वो पेट्रोलियम के लिए भी जाना जाता है, अंकलेश्वर आपने नाम सुना होगा। तो गुजरात और राजस्थान दोनों किस चीज़ के रिसोर्स हैं, तो ये सॉल्ट के तो हैं ही, लेकिन गुजरात, अंकलेश्वर, ये आपके पेट्रोलियम डिपॉजिट्स भी यहाँ पाए जाते हैं। सॉल्ट कहाँ मिलता है, नमक कहाँ मिलता है, तो नमक जो है ये कच्छ में और पलाया लेक, ये राजस्थान में आपको मिल जाएगा। तो राजस्थान बिल्डिंग मटेरियल के लिए काफ़ी फेमस जाना जाता है। बिहार में भी बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग हैं जिसके बिल्डिंग मटेरियल राजस्थान से आते हैं, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम, फुलर्स, ये सारे चीज़ें आपको राजस्थान में मिलेंगे। इसके अलावा डॉलमाइट और लाइमस्टोन भी राजस्थान में पाया जाता है। फिर आप नेक्स्ट आगे जब बढ़ेंगे तो एरियाज़ हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारा जो मेन फेवरेट टॉपिक है आयरन ओर, आयरन ओर के बारे में आप देखेंगे
कि ये सेडिमेंट्री बैंडेड रॉक्स में मिलते हैं ज़्यादातर, वोल्केनो सेडिमेंट्री बैंडेड रॉक्स में मिलते हैं, और आप देखेंगे कि ये प्री कैम्ब्रियन एरिया से, प्री कैम्ब्रियन जो एज है उस समय से आयरन हमारे देश में मिल रहा है और पूरे वर्ल्ड में मिल रहा है प्री कैम्ब्रियन एरिया से, ठीक है। तो ये एज है बेसिकली। फिर मैग्नाइट जो है वो सबसे अच्छा आयरन ओर माना जाता है, कि मैग्नाइट सबसे अच्छा आयरन ओर है, 72% तक आयरन इसमें मिलता है, ये सबसे एक्सीलेंट क्वालिटी है आयरन का। सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हेमाटाइट, भारत में ज़्यादातर हेमाटाइट ही मिलता है, तो ये मैग्नाइट से थोड़ा सा लोअर कॉन्टेंट रहता है इसमें आयरन का, यानी कि सेकेंड ग्रेड का है। फिर आप हाइएस्ट प्रोड्यूसर जो भारत में है ये उड़ीसा और झारखंड का बेल्ट है, तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट बेलाड़ी चित्रदुर्गा चिकमंगलुरु तुमड़ुक ये, और महाराष्ट्र और गोवा का जो बेल्ट है यहाँ पे आयरन ओर का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। तो आपका होमवर्क ये है कि आप ज़रूर से ज़रूर एक मिनरल मैप ऑफ इंडिया बना के तैयार रखिए, और कौन कौन से एरिया हैं, सिर्फ इस तरह से आपको सिर्फ स्टेट्स नहीं बताने, स्टेट्स में कौन सा जगह है वो भी बताना है। आयरन चार प्रकार के होते हैं, मैग्नाइट जो कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा, केरला में मिलता है, 72% इसमें आयरन होता है। हेमाटाइट जिसमें 60 से 70% आयरन होता है, ये आपका मिलता है उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश में। उसके बाद होता है लिमोनाइट जिसमें 30 से 40% आयरन होता है, ये इसका कलर जनरली येल्लो होता है, ये पूछा गया है एग्जाम में। सिडेराइट ये सबसे इम्प्योर होता है, सिर्फ आपके 40 से भी कम% आयरन इसमें होता है, इसका कलर ब्राउन कलर का होता है, इसमें आयरन कंटेंट काफ़ी कम है, तो ये लो ग्रेड आयरन ओर है। तो होपफुली आपने मिनरल्स के बारे में समझा है, और आप अब होमवर्क में क्या करेंगे कि आप मिनरल मैप ऑफ इंडिया बनाएंगे, और ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप बिहार का भी मैप लें, और बिहार में कौन कौन से टॉप मिनरल्स हैं जो बिहार में पाए जाते हैं ये भी आपको बनाना है। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंडिया का और बिहार का मिनरल मैप बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।